जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आइए इस वीडियो में एक और हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और दोस्तों ये हम सॉल्व करने वाले हैं मीन, यानी कि मीन फाइंड आउट करने वाले हैं। आपको बता दें कि अवध यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर में कुछ न्यूमेरिकल सवाल पूछे जाते हैं और हम ऑलरेडी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए इसी क्रम में आज हम सॉल्व करेंगे 2021 में पूछे जाने वाला प्रश्न कि निम्नलिखित आवृत्ति वितरण तालिका से मध्यमान यानी कि मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हमें मीन कैलकुलेट करना है, मीन निकालना है। कहीं कहीं इसको माध्य भी कहा जाता है। तो आइए ज़रा इसको इस टेबल पे हम मीन निकालते हैं, मीन की गणना, मीन का कैलकुलेशन करते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, जिस तरीके से सवाल आपसे दिया गया था, एक तरफ क्रॉस इंटरवल और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी, हम उसी को एज इट इज़ यहाँ पर नोट कर लेते हैं। एन इज इक्वल टू 60 दिया था, अगर ना दिया हो तो आप फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो आपको एन की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी। अब आ जाइए, अब हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, एक और दो नए कॉलम यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। दो इस तरीके से आपको नए कॉलम यहाँ पे ऐड कर लेने हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब ये हमने क्यों ऐड किया, ये हमने ऐड किया x निकालने के लिए। x क्या है दोस्तों, ci जो हमारा क्लास इंटरवल है ना, उसके बीच की वैल्यू, उसके मध्य का अंक है दोस्तों। 32 और 34 के बीच का अंक क्या होगा, 32 और 34 के बीच का अंक आप कहेंगे कि 31 होगा, कोई डाउट नहीं। सिमिलरली 29 और 30 के बीच में कितना होगा, 30। 26 और 28 के बीच में 27। 23 25 के बीच में 24। 20 और 22 के बीच में 21। 17 और 19 के बीच में 18। और 14 और 16 के बीच में 15। और 11 और 13 के बीच में 12। ये हमें बीच का अंक निकल गया। अब चूंकि ये वैल्यू छोटी थी तो हमने निकाली, अगर वैल्यू बहुत बड़ी हो जैसे 13 और 17 हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे इसको ऐड करेंगे तो 30, और ये तो फिर तो वही बात हो गई, 30/2 इज इक्वल्स टू 15। तो ये इसकी बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से दो आप अंकों के बीच की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो बड़ा ही आसान सा और कॉमन सा मेथड है। तो ठीक वैसे ही हमने क्या किया, ci यानी क्लास इंटरवल के बीच की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। अब हमें fx निकालना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4, 4 3 12। सिमिलरली 7 7 3 21। 9 से कराएंगे तो 9 7 63 3 6, 9 2 18 24। कोई दिक्कत नहीं। 12 से करेंगे 12 4 48 8 4 12 2 14 और 4 18। 10 से करेंगे दोस्तों 210। 8 से करेंगे तो 8 8 64 4 6, 8 6 14। 7 से करेंगे तो 105। 3 से करेंगे 36, ठीक है। इस तरीके से आप बस अगर आपने यहाँ तक कर लिया तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको इतना ईजी था, जी हाँ इतना ही इजी था। अगर आपने बस इतना कर लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको बस दो ही काम करना था, एक क्लास इंटर मीन, जब भी आप निकालेंगे मीन तो आपको एक क्लास इंटरवल का के बीच का अंक निकाल लेना है, और दूसरा दोस्तों इसको fx को आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। बस यहाँ तक कर लिए तो आप इस fx को दोस्तों, जो हमारा fx निकला है यहाँ पे, हमारा जो ये fx निकला है कंप्लीट, अब इसको हम यहाँ का क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, सम कर लेंगे। और जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों हमारा फॉर्मूला, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, मीन की फॉर्मूला होती है, तो जो हमने एफ एक्स की वैल्यू निकाली उसको आपस में जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद हम एन से डिवाइड कर देंगे और यहाँ से हमें आंसर निकल के आ जाएगा। आइए ज़रा जोड़ने की कोशिश करते हैं। 4 4 3 7 और 8 7 15, 15 4 19, 19 6 25, 25 5 30 के 0 3, ठीक है। एक बार फिर से देख ले, 4 3 7 और 8 7 15, 15 4 19, 19 6 25 5 0, 30 0 3, ठीक है। 2 3 2 5, 6 4 10, 8 18, 19 19 4 23, 23 3 26 का 6 2, 2 1 3 2 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11 12 13, 1360। और n हमारा कितना था दोस्तों, n हमारा आया था 60 60 60। 0 से 0 ख़त्म, 6 2 12 6 2 12, 4 बचेगा और 40 6 6 36, और फिर 4 बचेगा, मतलब आपका जो मीन आएगा दोस्तों, मीन आएगा आपका 22.67। कितना वैल्यू आएगा, 22.67।
यहीं से आपका आंसर निकल के आ गया। समझ में आ गया? कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इसी तरीके से आपको मीन निकालना पड़ेगा। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, इस डेटा का आप मीन निकालिए और मीन निकालने के बाद आप हमें कमेंट में बताइए। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस डेटा का आप मीन निकाल, मीन समझ में आ गया ना कैसे निकालना है? कुछ नहीं करना है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हालांकि इसमें कुछ था ही नहीं रिपीट करने वाला, जैसे आपको मैं यहाँ से बताता हूँ। आपको यहाँ क्या करना है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको दो नए और कॉलम बना लेने हैं, ठीक है? दो हमारा यहाँ पे नया कॉलम आके हो गया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसके मिड वैल्यू निकालेंगे, बीच का अंक, और फिर उसके बाद उस बीच के अंक को हम इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे एक्स निकल जाएगा, एफ एक्स निकल जाएगा, और एक्स बार क्या होता है दोस्तों, सम ऑफ ऑल एफ एक्स और डिवाइडेड बाई एन, ये एन जो है इसकी सम। बस इसी तरीके से आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे और आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक बार फिर से होमवर्क के लिए आपका, इसको सॉल्व करिए, कमेंट में इसका आंसर बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी, और फिर हम इसको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, मैं आशा करता हूँ पसंद आया होगा। इसी तरीके से सवाल आपसे पूछे जाते हैं बीएड में, और बहुत ही आसान, और ये सवाल 8 नंबर में पूछा गया था, और इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आसानी से कर लेंगे। तो बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए, मेरी यही दुआ है, प्रार्थना है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं, शिकायत सुझाव सलाह भी दे सकते हैं। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अगर लगता है कि ये वीडियो शेयर करने लायक है तो आप अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे, इस अकाउंट पे फॉलो करेंगे। तो अगर आपके इंस्टा आईडी है और आप यूज़ करते हैं तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए चैनल से, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।